हाय गाइस, मैं राहुल आपका मेरे चैनल एसएससी बाय राहुल पटेदार पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में एडवांस मैथ्स में एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। हमने अरिथमेटिक में एवरेज और परसेंटेज पढ़ लिया है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। इसके बाद हम अलजेब्रा, देन ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इस टाइप से करते जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फ्रेंड्स हमको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की यूज़ क्या है, इसको कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, किसी नंबर को 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चेक करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, डिविजिबिलिटी का यूज़ क्या है। और उसके बाद और भी बहुत सारे डिजिट हैं जहाँ पर डिविजिबिलिटी को यूज़ करना है। उसके बाद हमको पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, APGPHP एंड कुछ सीरीज। इस टाइप से हम चैप्टर करेंगे, रिकरिंग डिजिट पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है ये हमको पढ़ना है। एक्चुअली हम रिमाइंडर किसे कहते हैं, जैसे हम बात करें 13/4, 13/4 करने पर ये 3 times तो परफेक्ट जा रहा है इसमें, बट एक रिमाइंडर बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। जैसे हम बात करें 50/24 की, तो यहां पर फ्रेंड्स 2 reminder बच रहा है। तो इस चीज को हम कहां पे यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है, इस टाइप से हम देखेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सबसे पहला यूज रिमाइंडर थ्योरम का, अगर हमको कहा जाए 492 × 653 / अगर कहा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको तो हम मतलब बिना रिमाइंडर थ्योरम के भी बता सकते हैं। 3 × 2 = 6, लास्ट डिजिट कुछ भी हो, लास्ट डिजिट 6 होगा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 492 × 653, तो यहाँ पर 3 का 2 के साथ होगा, 3 × 2 = 6 आके जो भी हो, एंड एक डिजिट छोड़ के करेंगे इस टाइप से, तो लास्ट में तो 6 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत नहीं है। बट अगर कहा जाए सेकेंड बात, इसी क्वेश्चन में हमको अगर बताना हो कि लास्ट के 2 digit मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएंगे, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। फिर हमको उसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 10 से डिवाइड करने पर यदि 10 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है वो यूनिट डिजिट होता है। हम वेरीफाई करेंगे इसको कैसे। मैंने कहा किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो यूनिट डिजिट होता है। जैसे हम बात करें केवल 492 की, 492/10 करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये 49 टाइम्स तो परफेक्ट जाएगा, पर यहाँ पे +2 रिमाइंडर होगा। सो फ्रेंड्स, ये यूनिट डिजिट है, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, आप अगर 10 से उसको भाग दोगे जो रिमाइंडर आएगा वो होगा यूनिट डिजिट। अगर यहाँ पे हम बात करें हमको लास्ट के 2 digit चाहिए, लास्ट 2 digit क्या है, लास्ट के 2 digit क्या है, तो इसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या को हमको 100 से भाग देना है। अब हम इसको करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए वो हमारे लास्ट 2 digit होंगे। ये फ्रेंड्स जैसे इसकी बात करें, इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 times तो कंप्लीट चले जाएगा, पर रिमाइंडर 100 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, +92। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये निकला किसी नंबर को
2 से डिवाइड करने पर किसी नंबर को 100 से डिवाइड करने पर लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर आते हैं। किसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट के 2 डिजिट होगा, क्लियर है? एंड सो ऑन, आगे की बात करें, अगर लास्ट के 3 डिजिट चाहिए तो उस नंबर को 1000 से डिवाइड करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम रिमाइंडर निकालना सीखते हैं, संख्याओं का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। मैंने अभी एक यूज बताया, अगर हमको कहा जाए कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे दिया मल्टीप्लिकेशन में, बोला जाए कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, तो लास्ट का 3 डिजिट हमको वहां पे 1000 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट के 3 डिजिट होंगे। तो सबसे पहले हमको ये सीखना है कि रिमाइंडर होता क्या है। रिमाइंडर जैसे हम बात करें 13/4 की, 13/4 में 12 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर +1 हुआ, रिमाइंडर +1 हुआ। या हम बात करें अगर 16 हो जाता, ये अगर ये 13 ना होके 16 हो जाता तब भी परफेक्ट डिवाइड हो जाता, तब भी रिमाइंडर 0 हो जाता। इट मींस यहां पे हमको 3 कम पड़ गया, या तो 1 ज्यादा है, इसको भी हम रिमाइंडर कहेंगे। इस यहां पर हमने एक मान लिया रिमाइंडर, इसको हम स्यूडो रिमाइंडर कहते हैं, एक अनुमान से हमने मान लिया -3, ये भी रिमाइंडर है। इसका क्या यूज होगा आगे हम देखेंगे। तो 13/4 में एक तो +1 या फिर -3, दोनों इक्वल है। आगे हम देखेंगे कैसे। जैसे हमने बात की 50/24 की, 50/24 में रिमाइंडर 24 to 48, दो एक्स्ट्रा है, या तो रिमाइंडर +2 है या फिर कितना और आ जाता मींस -22, 22 अगर और आ जाता तब भी ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता। हम बात करें 17/6 की, 17 को अगर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, एक तो +5, दूसरा -1, एक कम पड़ गया, 5 ज्यादा है, 12 होता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता, एक कम पड़ गया 18 हो जाता तब भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता। इट मींस हमने रिमाइंडर 2 निकाले, +1 -3, +2 -22, +5 -1। ये तो हमने जो सीखा वो सिंगल डिजिट का सीखा, सिंगल नंबर का सीखा। अगर एक कोई नंबर दिया हो तब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। अगर हमको बात की जाए, हमको दिया जाए मल्टीप्लिकेशन 492 × 653, और हमको कहा जाए, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 65/47/9, ये वाला दिया है, इसको 48 ले लो, 49 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 65 × 49/9 ये दिया है। हमको पूछा है रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, तो हम एक तरीका देखते हैं। इस केस में 65 के साथ 9 का जो रिमाइंडर है उसको लिख लो, 49 के साथ 9 का जो रिमाइंडर है उसको लिख लो, जो भी आंसर आए ये दोनों का जो भी रिमाइंडर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये प्लस का होता, यहाँ पर रिमाइंडर को प्लस कर देते, हम देखते हैं, और इनका प्रूफ भी मैं दूंगा। जैसे 7 टाइम तो ये जा रहा है 63, या तो रिमाइंडर +2 होगा 65 हो जाए, या फिर -7 ये 72 हो जाता, या तो रिमाइंडर +2 होगा या -7 होगा, +2 है या फिर -7 है, दोनों में से एक चीज को लेना है जो छोटा है वो, क्योंकि मल्टीप्लाई करते टाइम भी वही काम देगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है +2। 49 के केस में 45 टाइम्स कंप्लीट जा रहा है +4, +2 × +4 +8। अब इसको एक बार और चेक करो, क्या 9 से छोटा है, हाँ छोटा है, इट मींस
प्लस एट इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। अगर इसी केस में प्लस की बात नहीं करें, मल्टीप्लाई की बात करें, अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, माइनस सेवन रिमाइंडर ले लेते हैं, और यहाँ पे प्लस फोर, तो एक माइनस फाइव आएगा, दूसरे को इसमें से घटा लो, प्लस फोर या फिर माइनस फाइव ले लेते हैं, माइनस सेवन इंटू माइनस फाइव प्लस थर्टी फाइव, प्लस थर्टी फाइव नाइन से बड़ा है, अगेन इसका रिमाइंडर निकालो, इसका रिमाइंडर कैसे होगा, माइनस वन या फिर प्लस एट। सो फ्रेंड्स फाइनल रिमाइंडर तो हमको आंसर तो प्लस में देना है ना, तो रिमाइंडर विल बी प्लस एट। प्लस एट कहें या माइनस वन कहें, दोनों सही है। या फिर एक और तरीका देखें, 65 इंटू 49 बाय 9 है, अगर हम यहाँ पे प्लस टू ले लेते हैं रिमाइंडर, यहाँ पे हम माइनस वाला ले लेते हैं। अब इस केस में प्लस टू इंटू माइनस फाइव कितना होगा, माइनस टेन बाय नाइन। दो सेम साइन की चीजों को मल्टीप्लाई किया, प्लस आया था, अब यहाँ पे आया माइनस टेन। अब माइनस टेन को नाइन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया प्लस वन, पर साइन के कारण रिमाइंडर हो गया माइनस वन। माइनस वन रिमाइंडर या फिर प्लस एट, इसमें से हटा दो, एक ही बात है। सो फ्रेंड्स कोई सा भी लो यहाँ पे, कोई सी भी क्वांटिटी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम कैलकुलेशन के पर्पस से हम ऐसी चीज लेंगे जो छोटी हो। यहाँ पे प्लस टू ले या माइनस सेवन ले, प्लस टू लेंगे, प्लस फोर ले या माइनस फाइव ले, प्लस फोर लेंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लाई में। अब मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ आपको, ये हुआ कैसे, रिमाइंडर को हमने मल्टीप्लाई कैसे कर लिया। हमने इंडिविजुअल रिमाइंडर लिखा, इसका इसका, उसको हमने मल्टीप्लाई कैसे कर लिया, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। 65 को हम लिख सकते हैं 63 प्लस 2 इनटू, ये तो ऐसा है ना, 45 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9। अब हम रिमाइंडर निकालने के लिए इन दोनों को सेपरेट करेंगे, तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 63 इंटू 45 प्लस 63 इंटू 4 प्लस 45 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपको कहा जाए 15 बाय 5 करना है रिमाइंडर बताओ, 15 बाय 5 में रिमाइंडर जीरो होगा, जब कंप्लीट भाग चले गया तो रिमाइंडर तो जीरो होगा। 9 यहाँ पर रिमाइंडर जीरो, इसका जीरो, तो मल्टीप्लाई के साथ जीरो, इसका रिमाइंडर जीरो। अब किसी कोई सी संख्या जैसे लिखा है 3 3 7 5 1 9 इंटू 4 बाय 2, रिमाइंडर निकालो, हमको इसको देखना ही नहीं ना। जब इसके साथ रिमाइंडर जीरो आ गया तो कंप्लीट रिमाइंडर भी जीरो होगा, जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करें तो कंप्लीट रिमाइंडर भी, रिमाइंडर फाइनल रिमाइंडर जीरो होगा। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो, 63 का साथ कंप्लीट भाग जा रहा है तो रिमाइंडर जीरो, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर जीरो। सो बच रहा है क्या, एक्स्ट्रा जो आ रहा है एक्स्ट्रा, प्लस टू एंड प्लस फोर, यही रिमाइंडर होगा। इसी के साथ हमको चेक करना है। दैट्स व्हाई जब मल्टीप्लीकेशन में चीजें होती है, जब मल्टीप्लीकेशन में चीजें होती है रिमाइंडर निकालने के लिए, डायरेक्ट हम दो नंबर्स को का इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब चाहे हम यहाँ पे प्लस साइन ले या माइनस साइन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस साइन के साथ कैलकुलेशन करना होगा एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्लस के साथ, यहाँ पे अगर प्लस होता 65 प्लस 49 बाय 9, उस केस में रिमाइंडर कैसे निकालते, ये होता 65 प्लस 49 बाय 9। एक तरीका तो 8 कर लो, 8 नहीं करना है हमको, हमको इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालना है। इसका रिमाइंडर कितना हुआ, या तो प्लस 2 या माइनस 7, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी ले लो, बट लेना वही है जो छोटा हो, कैलकुलेशन इजी होगा। अब जब ये प्लस है ना यहाँ पर, तो रिमाइंडर को भी सिंपली 8 कर दो,
प्लस है एड कर दो, माइनस है सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे रिमाइंडर होगा प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स बाय नाइन, रिमाइंडर विल बी प्लस सिक्स, रिमाइंडर छ होगा। ठीक है, ये आया कैसे, हम एड कैसे कर सकते हैं, दो अलग अलग क्वांटिटी है जो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो उनके इंडिविजुअल रिमाइंडर को एड या सब्ट्रैक्ट करना होगा फाइनल रिमाइंडर के लिए। ये सब क्यों करेंगे, हम इसको सेपरेट करते हैं, 63 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको 65 को, 49 को 45 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9, 63 प्लस 2 45 प्लस 4 इसको हम लिख सकते हैं 63 प्लस 45 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9। जब हम इसको सेपरेट करेंगे 63 बाय 9 45 बाय 9 2 प्लस 4 बाय 9, इसका रिमाइंडर हुआ 0, इसका रिमाइंडर हुआ 0, तो रिमाइंडर किसके साथ आएगा, केवल इंडिविजुअल रिमाइंडर के एडिशन के साथ रिमाइंडर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सीखा इंडिविजुअल रिमाइंडर प्लस और माइनस दोनों में निकालते हैं, दो चीजों का जब मल्टीप्लाई होता है, उस टाइम पर रिमाइंडर इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लो और उसका मल्टीप्लाई कर दो। तीसरी बात, जब दो चीजें एडिशन में हो इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लो और एड कर दो। एक चीज हम देखते हैं फैक्टोरियल, हम बात करें फैक्टोरियल की, फ्रेंड्स फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे 3 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं या 3 फैक्टोरियल, ये होता क्या है, 3 फैक्टोरियल मींस 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको एक एक कम करते जाओ और मल्टीप्लाई करो, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, ये साइन है फैक्टोरियल का, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे, 11 फैक्टोरियल 11, 10, 9, 8 ऐसे मल्टीप्लाई होते होते 1 तक, n फैक्टोरियल होता है n, n माइनस 1, n माइनस 2 ऐसे 1 तक चले जाएगा। इसके बाद हम एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हमको फैक्टोरियल की बात दी जाए तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ऐसे हमको दिया 10,000, 100,000 फैक्टोरियल तक दे दिया और कहा 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पे पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा। अब फ्रेंड्स हम जब एक फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो एक फैक्टोरियल तो होता है 1, दो फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 1 2 होगा, 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल को जब ब्रेक करेंगे तो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही। हम n फैक्टोरियल को, हम जैसे 7 फैक्टोरियल की बात करें, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इट मींस 5 फैक्टोरियल के आगे 5 4 3 2 1। एक चीज पड़ी है जैसे 15 बटे 5 की बात है, 15 बटे 3 ले लो या 5 ले लो, कंप्लीट अगर डिवाइड हो रहा है मींस रिमाइंडर 0, यहां पर 8 है, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 मतलब 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल के आगे जितने भी टर्म है 4 इंटू 2 तो आएगा ही, इट मींस 4 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 0, इसका भी 0, इसका भी 0, लास्ट तक ये 0 जाता रहेगा क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू 2 तो है ही। अब जो 1 फाइनली हमको रिमाइंडर किसका निकालना है, 1 2 3 इसके बाद तो 0 है डिवाइडेड बाय 8,
1 फैक्टोरियल का रिमाइंडर, 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो रिमाइंडर प्लस 1, 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो रिमाइंडर प्लस 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 6, तो या तो रिमाइंडर प्लस 6 लिख दें या माइनस 2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 चाहिए, प्लस 6 लिख दें या माइनस 2 लिख दें, ये कैंसल आउट हो जाएगा, एडिशन के साथ एडिशन करेंगे, प्लस 2 माइनस 1 कैंसल आउट, फाइनल रिमाइंडर विल बी प्लस 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लगभग 2 लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।